हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग्स मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस न्यूप्रिन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ से बताना है न्यूप्रिन कौन सा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का, देखो न्यूप्रिन का मोनोमर क्या होता है, दैट इज योर क्लोरोप्रिन। तो जो क्लोरोप्रिन है, अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन कर दें, क्या करते हैं यहाँ पर इसका पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन पर ये आपके पास क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन पर ये आपके पास जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, दैट इज नियोप्रिन जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्लोरोप्रिन क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा CH2, यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा CH2। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका पॉलीमराइजेशन यहाँ पे कर दें। तो पॉलीमराइजेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH2, और इसके कितने यूनिट रह जाए यहाँ पर, एन यूनिट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लोरोप्रीन, दिस इज क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज, इसको हम बोलते हैं दैट इज योर न्यूप्रीन। तो न्यूप्रीन जो पॉलीमर है, ये इस तरह से आपके पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर शुड बी योर सेकेंड ऑप्शन। आई होप यू कैन ईजली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।